प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जहांगीर की धार्मिक नीति और कट्टरता, और इसके साथ समझाएंगे आपको इसके स्थापत्य कला के बारे में और चित्रकला के बारे में, चित्रकारों के बारे में बताएंगे, जहांगीर के सिक्कों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से सिक्के चलाए, और जहांगीर के बारे में जो विशेष कार्य के उनके बारे में भी यहाँ समझाएंगे। तो यहाँ पर एक एक करके स्टार्टिंग करते हैं। पहला स्टार्टिंग करते हैं जहांगीर की धार्मिक नीति और धार्मिक कट्टरता। तो प्यारे बच्चों स्टार्टिंग कर दे, और यहां से आपकी चाप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, और नीचे भी आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो यहीं से आपके क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहीं से आपको परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होंगे या आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले होंगे। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, यानी कि जहांगीर की धार्मिक नीति। तो यहाँ पर देखेंगे धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं। 1600 यहाँ पर बारे में पहली बार यहाँ पे ध्यान रखेंगे रक्षाबंधन का त्योहार। देखिए अब रक्षाबंधन का भी त्योहार आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ पर कौन मना रहे हैं, ठीक है, जहांगीर, यानी कि अपने दरबार में इन्होंने रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के त्योहार पर जहांगीर ने अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी। तो देखेंगे जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, पिछली हमने क्लासों में बताया था कि जो कर्णवती थी, जो चित्तौड़ की महारानी थी कर्णवती, उन्होंने हुमायूं को एक राखी भेजी थी। बहादुर शाह, ठीक है, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह से रक्षा के लिए, तो भी यानी कि हुमायूं ने यानी कि रक्षा नहीं की थी, ठीक है, रक्षा करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो तभी से के ज्यादातर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से, और अभी रक्षाबंधन का आपका त्योहार आ रहा है, और एक भाई भाई और बहन, ठीक है, दोनों का एक प्यार और एक अटूट, यानी कि एक बंधन जिसे कहते हैं, एक भाई बहन की रक्षा का वादा करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से रक्षाबंधन का त्योहार यानी कि पहली बार, ठीक है, यहाँ पे 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था किसने, जहांगीर ने। यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ पर वृंदावन, वृंदावन के जो चैतन्य महापुरुष को दान दिया, तो ये भी पूछ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु किस शासक के समकालीन थे, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर इन्हीं के कारण यानी कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, और जो कि अकबर ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था इनके समय में, जहांगीर के समय में। यहाँ पे देंगे श्रीकांत हिंदुओं का जज नियुक्त किया। आगे जदरूप जो से जो हिंदू था इससे अत्यधिक प्रभावित थे जहांगीर। आगे यहाँ पे जहांगीर ने सुलह कुल की जो नीति अकबर ने चलाई थी उसको यहाँ पर जारी रखा, लेकिन जो अकबर के द्वारा यानी कि जो दीन है इलाही को यहाँ पर समाप्त कर दिया, ठीक है, यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जहांगीर की धार्मिक कट्टरता बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, धार्मिक कट्टरता। यहाँ से देखेंगे राजौरी के हिंदुओं को दंडित किया, यहाँ पर देखेंगे कहाँ के हिंदुओं को, यानी कि राजौरी के हिंदुओं को, हिंदू मुस्लिम लड़कियों से शादी के हिंदू बना रहे थे, इसका मतलब है जो हिंदू थे वो मुस्लिम लड़कियों से शादी करके यानी कि धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तो इसलिए जो राजौरी के हिंदू थे इसलिए इसने यानी कि उनको दंडित किया। तो यहाँ पे देखिए धर्म परिवर्तन के कारण यानी कि, ठीक है, कट्टरता को दर्शाता है, जो जहांगीर की कट्टरता को दर्शाता है। आगे यहाँ पर कांगड़ा के किले में, तो ये भी कट्टरता को दर्शाता है, यहाँ पर कांगड़ा के किले में जब विजय किया था तो यहाँ पर गाय कटवाकर, ठीक है, जीत
ठीक है, गाय जो कि हिंदुओं की माता मानी जाती है उसको कटवा कर यहाँ पर ठीक है जीत का जश्न मनाया था कांगड़ा विजय पर। आगे चलते हैं, ये इसकी कट्टरता है। अजमेर जो है, अजमेर के बराह मंदिर, ये ध्यान रखेंगे अजमेर में है एक बराह मंदिर, ये भी पूछ लेता, इसकी मूर्तियों को तोड़वा कर तालाब में फेंकवा दिया। आगे प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पर देखेंगे आगे, यानी कि जो जहांगीर जो है, यानी कि जैन सिद्धि चंद्र को नादिर ए जहां की उपाधि दी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जहांगीर ने नादिर ए जहां की ये जो उपाधि है ये किसको दी, तो यहाँ पर देखेंगे संत, ठीक है यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है जैन संत सिद्धि चंद्र को। आगे चलते हैं, जहांगीर ईसाई धर्म से ज्यादा प्रभावित था, किस धर्म से प्रभावित था, ईसाई से। और यहाँ पर जो पुर्तगाली जो पादरी जो था, जो जिसका नाम था फादर जेवियर, ठीक है, से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की, तो ये भी पूछ ले जाता है कि जहांगीर ने किस यानी कि पादरी या ईसाई कौन था जिससे शिक्षा ग्रहण की, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस शब्द को, यानी कि फादर जेवियर, इस शब्द को ध्यान रखें। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है यहाँ से आपकी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन आता है और कुछ ना कुछ यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे अंग्रेजों का जहांगीर के समय में शासन काल में आगमन, यहाँ पर हॉकिंस आया, ठीक है पहले कौन आया था, यानी कि हॉकिंस 1608 से 1611 तक रहा, और ये कौन था हॉकिंस, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि था जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है कहाँ पर आया ध्यान रखेंगे सूरत में आया, और यहाँ पर अंग्रेजों ने यानी कि सूरत में यानी पहले यानी एक कारखाने की स्थापना की, तो ये भी पूछ लेता है अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो ध्यान रखेंगे सूरत में, यानी कि 1608 में, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इस समय किसका शासन था, इट मीन्स जहांगीर का। आगे समझेंगे, जहांगीर ने हॉकिंस को आगरा में, ठीक है आगरा में फारसी में बात की, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, यानी कि जहांगीर फारसी जानता था, फारसी में बात की, और हॉकिंस एक अंग्रेज भी फारसी जानता था, तो यहाँ पर जाके इसका मतलब है हॉकिंस फारसी जानता था, और इसी कारण से जो जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, देखिए क्योंकि वो फारसी जानता था और एक अंग्रेज आदमी जानता था, यानी इंग्लिश खान, खान का मतलब है यहाँ पर मुस्लिम शब्द है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसको 400 रुपए का मनसब दिया, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हॉकिंस को जहांगीर ने कितने का मनसब दिया, और यहाँ पर व्यापार की अनुमति लेनी चाहिए, ठीक है लेनी चाहिए, पर यहाँ पर परमिशन नहीं देती व्यापार करने की जहांगीर ने इस समय। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे सर, ठीक है सर टॉम्स मुनरो, दूसरा जो अंग्रेज आए थे उनका नाम था सर टॉम्स मुनरो, ठीक है 1615 से और 1619 तक ये रहे, ठीक है ये भी पूछ लेता है कितने साल रहे। यहाँ पे इंग्लैंड के जो सम्राट कौन थे इस समय, जेम्स प्रथम थे, ध्यान रखेंगे जेम्स प्रथम, और के राजदूत के रूप में आए थे यहाँ पर भारत जहांगीर के, और के जहांगीर से कहाँ मिले थे, हॉकिंस यानी कि अजमेर में से मैं मिला टॉम्स रो जहांगीर से सूरत में, देखेंगे यहाँ पर सूरत में व्यापार करने के लिए एक फरमान प्राप्त किया, तो यहाँ पर क्या है कि सर टॉम्स मुनरो को जहांगीर से एक फरमान प्राप्त हो जाता है व्यापार करने में, और यहाँ पर सफलता यानी कि टॉम्स मुनरो को मिल जाती है, और यहीं से नीम पड़ती है प्यारे बच्चों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहांगीर ने सर्वप्रथम, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जहांगीर ने सर्वप्रथम ध्यान रखेंगे मराठों को अमीर ठीक है वर्ग में शामिल किया, ठीक है क्योंकि
मराठे सबसे ज्यादा लड़ाकू थे, तो अपनी सेना में यानी अमीर वर्ग में शामिल किया। यहाँ से ये शब्द को ध्यान रखेंगे मराठा, ठीक है, ध्यान रखेंगे मराठा को। आगे यहाँ पर विलियम फिच, ठीक है, जो एक विदेशी यात्री था, ठीक है, विलियम फिच, और इसने अनारकली, अनारकली की दंत कथा ठीक का उल्लेखनीय वर्णन किया है। तो ये किसने उल्लेख किया है, ये विलियम फिच जो कि एक विदेशी यात्री था, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। आगे जहांगीर ने अपनी प्रेमिका, ये जो कौन थी, जहांगीर की प्रेमिका थी अनारकली, ठीक है, कि कब्र कहाँ पर है, ध्यान रखेंगे लाहौर में है, और यहाँ पर बनवाई, और इस पर क्या लिखवाया इसको ध्यान रखेंगे। यदि मैं अपनी प्रियसी, ठीक है, प्रियसी का चेहरा पुनः एक बार देख पाता तो कयामत के दिन तक, ठीक है, कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता, ऐसा लिखा है, लिखवाया था किसने, जहांगीर ने, कहां, लाहौर में अनारकली की कब्र पर, तो इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यानी कि मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में यहाँ पे देखिए, पिता के खिलाफ बगावत, पिता के खिलाफ पहला बगावत किसने की थी, क्योंकि खुसरू, खुसरू कौन था, जहांगीर का बड़ा पुत्र था जो कि मानवाई से पैदा हुआ था, ठीक है, मानवाई यानी पहली पत्नी मानवाई थी, बड़ा पुत्र था खुसरू यानी पैदा, और खुसरू ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके मैंने पीछे बता चुका हूं लड़ाई में, ठीक है, और इसका समर्थन कौन कर रहे थे, गुरु अर्जुन देव ने शरण दी थी, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया, और फिर बाद में राजद्रोह का मुकदमा लगाकर गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, फांसी और हत्या कर दी, हत्या हो जाती है वहां पर, हत्या कर दी, और बाद में, ठीक है, इसका समर्थन और किसने किया था, खुसरो का, मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं, राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका ने समर्थन किया था, तो इनको ध्यान रखेंगे। आगे जहांगीर के काल में, तो देखिए पिता के खिलाफ बगावत, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और पिता यानी कि जो जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, जिसे शाहजहां, उसने भी बगावत की, इसका मतलब है कब से पिता के खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा में, तो ध्यान रखेंगे जहांगीर के समय से। आगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे जहांगीर के काल में, यहाँ पर मुगल अफगानों, ठीक है, अफगानों को पुनः मनसबदार बनाया गया, ठीक है, मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया, दो दो शब्द यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है, शॉर्ट में, यहाँ पर भारतीय यानी कि मुसलमानों यानी कि शेखजादा को भी मनसब बनाया, यानी भारतीय मुसलमानों को भी मनसबदारी प्रथा में पद दिया गया, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मराठों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे यानी कि मनसबदारी में, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपको अफगानों को, ठीक है, अफगानों को यहाँ ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर देखिए भारतीय मुसलमान, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इनको भारतीय मुसलमान, तीन शब्दों को याद रखिए, कोई भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है, और ऐसे भी दे देगा जब यूपीएससी पीसीएस आईएएस की दे रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, और अगर आप कोई एसएससी या बैंक एसएससी की कोई परीक्षा दे रहे हैं या एसआई की परीक्षा दे रहे हैं या आप, ठीक है, आरओ आरओ की वगैरह की कोई परीक्षा दे रहे हैं या आर्मी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस सीटेट यूपी टेट कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पाते हैं, तो आपको एक ही लाइन में पूछ लेगा वहां पर, ठीक है, कई स्टेटमेंट देगा, पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत, भाई इतना अंतर होता है, लेकिन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर सूरदास, सूरदास देखिए यहाँ पर देखेंगे सूरदास के बारे में पूछ लेता है कि कौन हिंदू संत, ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे, जन कितने बार पूछा गया होगा ध्यान रखेंगे, और जहांगीर के संरक्षण में इन्होंने ये भी पूछ लेता है कि सूरसागर की रचना सूरदास ने किस बादशाह के संरक्षण में की थी, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सूरसागर लिखी थी जहांगीर के संरक्षण में। आगे यहाँ पर जहांगीर के काल में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए बार बार किसी में देख लिए, तम्बाकू तुम्बाकू की, ठीक है, खेती कौन लाए थे, यानी कि पुर्तगाली लेके आए थे भारत में, ठीक है, किसके शासन में, जहांगीर के, ठीक है, ऐसा याद करो, यहाँ पर तम्बाकू का बाद में,
ठीक है, क्योंकि इसमें तंबाकू की ज्यादा वो हो गई थी, ठीक है, तो जिससे कि नशे में लोग जाने लगे, तो इसलिए जहांगीर ने तंबाकू पर निषेध कर दिया, यानी कि प्रतिबंध लगा, निषेध में प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों ने, अब देखिए जहांगीर के समय पुरुषों ने, ठीक है, यहां तक कान, यहां पर देखेंगे कान छिदवाकर, ठीक है, और रतन और गहने, ठीक है, ऐसे साधारण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, फैशन शुरू किया, तो यहाँ पे देखिए फैशन, ठीक है, नूरजहां ने भी फैशन और यहाँ ने भी, यानी कि जहांगीर भी फैशन का प्रथा चलाई, फैशन, फैशन कहाँ से आया, यहीं से आया, ध्यान रखेंगे। इतमा दौला का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मकबरा, ये बहुत क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इतमा दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा, निर्माण किसने कराया था, नूरजहां ने, और इसमें पच्ची कारी, ठीक है, पच्ची कारी की गई है, यानी कि पच्ची कारी का मतलब है कि उनको तराश करके बनाया गया, पच्ची कारी करके यानी कि पत्थर को तराश करके वो बनाई गई है, ठीक है, उसमें, ठीक है, पच्ची यानी कि बेल बूटे वगैरह जो भी है, ठीक है, फल फूल वगैरह इस तरह के बनाए, उसे कहते हैं पच्ची कारी। आगे समझेंगे, इसमें सफेद संगमरमर के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें पहली बात सफेद संगमर का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान रखेंगे किसमें किया गया, ये पूछ लेता है संगमरमर का पहला इस्तेमाल किसमें किया गया, तो ध्यान रखेंगे इस शब्द को। आगे यहाँ पर पहली बार इसमें पत्रादुरा, पित्रादुरा का भी प्रयोग किया गया है, इससे पहले पित्रादुरा का जो प्रयोग किया गया था, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1600 में किया गया था, वो है गोलमंडल, गोलमंडल, और गोलमंडल कहाँ पर है प्यारे बच्चों, उदयपुर या राजस्थान में, ठीक है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, गोलमंडल में। आगे चलते हैं, आगे बता देंगे और भी, यहाँ पर देखेंगे पित्रादुरा का प्रयोग, यहाँ पर ताजमहल का, ठीक है, ताजमहल में वृहद स्तर पर प्रयोग किया गया, किसका, पित्रादुरा का, भारी मात्रा में ताजमहल में किया गया, ध्यान रखेंगे, और कम मात्रा में किसमें, इत्मादौला के मकबरे में। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे किस चीज की झलक मिलती है इत्मादौला के, क्योंकि किसने बनवाया, यानी कि नूरजहां ने, यानी कि नूरजहां के सूक्ष्म नारीवाद की यहाँ पे झलक मिलती है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यानी कि नारीवाद की झलक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जहांगीर के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण ये भी पूछ लेता है, सबसे बड़ा गुण क्या था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसकी न्यायप्रियता थी, यानी कि न्यायप्रियता, क्योंकि जहांगीर ने सोने की जंजीर, ठीक है, जंजीर लगवा दी थी अपने, देखे जहां पर न्याय देते थे वहां पर, ठीक है, महल पर, तो जो भी फरियादी है वहां पर जंजीर को बजा, ठीक है, हिला करके वहां में घंटा वगैरह कुछ था ऐसा, ठीक है, वो फरियाद कर सकता है, तो वहां पर क्या है, सोने की जंजीर लगवा। यहाँ पर सबसे बड़ा अवगुण, ठीक है, अवगुण क्या था, यहाँ पर शराब पीना था, ठीक है, शराब का ज्यादा शौकीन था, और शराब के ज्यादा पीने के कारण ही, ठीक है, जहांगीर की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जहांगीर पारसी, देखिए जहांगीर कौन कौन सी भाषाएं जानता था, तो ध्यान रखेंगे पारसी, तुर्की और अरबी, ठीक है, तीन भाषा जानते था, ठीक है, कविता लिखने का शौकीन था, कौन था, शौकीन, ध्यान रखेंगे, कविता लिखने का शौकीन था, कौन, जहांगीर। फिर चित्रकला का स्वर्णयुग, ध्यान रखेंगे चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे चित्रकला का स्वर्णयुग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है, शाहजहां, और चित्रकला का, ठीक है, चूंकि चित्रकारी यहाँ पर चरम सीमा पर पहुंच गई थी, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे के मध्यकालीन भारत का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है, शाहजहां के समय को, क्योंकि सभी क्षेत्र में वहां प्रगति हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग, ठीक है, क्लासिकल युग कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का समय, तो वहां पर आपने नवरत्न पढ़े होंगे, तो वहां पर आप ध्यान के सभी क्षेत्रों के विशेष यानी के लोग थे, ठीक है, जिनको विशेष और सभी क्षेत्र यानी कि साम्राज्य सामाजिक राजनीतिक कला आर्ट सब क्षेत्रों में मैथमेटिक्स में सब क्षेत्रों में वहां प्रगति हुई, ठीक है, लोहे भी वहां पर आपका दिखाई देता, तो यहाँ पे ये चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है, सर्वोच्च
ठीक है, कृष्ण चित्रकार कौन थे, ध्यान रखेंगे, उस्ताद मंसूर, कौन से, उस्ताद मंसूर, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर। जो उस्ताद मंसूर थे ये पशु पक्षी ठीक है प्राकृतिक चीजों के ज्यादा चित्र बनाया करते थे, ठीक है, उस्ताद मंसूर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताएंगे कि इन्होंने कौन से चित्र बनाए हैं, तो यहाँ पे इनको कौन सी उपाधि दी गई, नादिर उल असर की उपाधि दी जहांगीर ने। तो यहाँ पे ध्यान, आगे चलेंगे अबुल हसन, ठीक है, यहाँ पर दूसरे चित्रकार थे अबुल हसन, ठीक है, जिसने नादिर ए जहां, नादिर ए, नादिर उल जमा, ठीक है, नादिर उल जमा की उपाधि दी। अन्य यहाँ पर भी पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन से यानी कि जहांगीर के समय में चित्रकार थे या कौन से नहीं थे, ऐसा कुछ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो भी दे दिया। यहाँ पर विशन दास, देखिए ध्यान रखेंगे, विशन दास छवि चित्रकारी, ठीक है, विशन दास इनके समय में ही है और विशन दास अकबर के समय भी है, ठीक है, विशन दास, ठीक है, वहां पर एक फारस के साय का चित्र बनाता ऐसा पूछ रहा है, यानी मानव आकृति बनाने बहुत फेमस था। और अगर आपसे पूछा जाता है तो ठीक है अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार कौन था, तो दशवंत, ठीक है, और दूसरा सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था, बसावर, और यहाँ पर तीसरे है ठीक है वो अकबर के समय के, यहाँ पर ध्यान रखेंगे विशन दास छवि चित्रकारी यानी कि मानव आकृति यहाँ पर बना। तो ऐसा आप याद करिए और मिला मिला के देखिए जिससे आप गलती ना करें। आगे देखेंगे फारस के साय, ठीक है, फारस के साय और उसके परिवार का यहाँ पर मैंने दे दिया चित्र बनाया था, किसने, विशन दास, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है अच्छे लेवल पर। आगे चलते हैं फारूक बेग, ठीक है, फारूक बेग जो थे ये चित्रकार, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे कौन कौन से चित्रकार, एक तो यहाँ ध्यान रखेंगे इसको मैं गोला कर दे उस्ताद मंसूर के बारे में, दूसरा यहाँ पर मैं गोला कर देता हूँ अबुल हसन के बारे में, और यहाँ पर आगे गोला कर दे रहा हूँ यहाँ पर विशन दास के बारे में, और यहाँ पर जो मैन है और ध्यान रखिए फारूक बेग, फारूक बेग ने बीजापुर के आदिल शाह का चित्र बना, यानी कि मानव का चित्र है यानी छवि चित्र बनाने में फारूक बेग भी था। और एक चित्रकार और थे जिनका नाम था दौलत बेग, दौलत बेग ने ध्यान रखेंगे उन्होंने खुद अपना चित्र बनाया था, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार दिखाई देते हैं, तो हमने कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा अगर हमारे आप कोई भी लेक्चर उठा के देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो चैनल के साथ जुड़ते रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, लाइक भी करते रहे और अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। हम आपको ऐसा नोट्स दे रहे हैं, ऐसा मैटर दे रहे हैं, ऐसी सामग्री दे रहे हैं जो कि आप और भी कहीं देखेंगे चैनलों पर, तो इतना मैटर, इतनी सामग्री, इतनी क्वालिटी आपको कहीं किसी चैनल पर ठीक है शायद ही मुश्किल से मिल पाएगी, ठीक है। और मेन फैक्ट हम उठा करके यहाँ पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो आपको परीक्षा में 100% सफलता दिलाने में कारगर साबित होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर मुगल यानी मुगल कालीन, ठीक है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र, ठीक है, प्रसिद्ध चित्र कौन थे, तो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ पर देखिए एक कृषक घोड़े का साथ, तो मैंने यहाँ पर अकबर का भी उठा लिया है थोड़ा से, जिससे आपको एक कृषक घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर ठीक है भटकता चित्र। तो यहाँ पर देखिए मजनू, ध्यान रखिए मजनू का निर्जन स्थान पर, तो वो किसने, बसावन, बसावन देखिए बसावन, ठीक है बसावन ने, बसावन के बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, किसके, यानी अकबर के समय थे, ठीक है, और जहांगीर के समय भी चित्रकार। यहाँ पर देखेंगे दशावंत, ठीक है, दशवंत भी मैंने लिख दिया, यहाँ पर अग्रणी चित्रकार थे बसावन, ठीक है, बसावन यानी कि सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे जो छवि चित्रकारी में थे, और इस समय किसका शासन था, अकबर का, ध्यान रखें। अब देखिए आगे बात करते हैं यानी कि जहांगीर के, तो यहाँ पर मैंने पीछे का भी बैक यहाँ पर दे दिया, बार बार आप दोहराइए आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं साइबेरिया का दुर्लभ सार, तो ये पूछ लिया जाता है कि दुर्लभ सार, ठीक है, कौन फेमस था इस चित्र को, क्योंकि हमने पता है कि जो उस्ताद मंसूर थे वो पक्षियों के चित्र बनाने में कला हस्ते, ठीक है, सबसे अनोखा पुष्प, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है, ध्यान रखिए, तो प्राकृतिक चीजों के ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा वो कौन थे, उस्ताद मंसूर, ठीक है,
उस्ताद मंसूर, ध्यान रखेंगे किसके समय में यानी किस चित्रकार से, इसलिए इनके समय को ठीक है चित्रकला का, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। आगे समझेंगे तजू के जहांगीर, ठीक है जो तजू के जहांगीर थे जो कि जहांगीर के आदमकथा थी, तो यहाँ पर तजू के बाबरे मुख पृष्ठ पर एक जो चित्र जो बनाया था वो किसने, यानी कि मुख पृष्ठ पर यानी कि ऊपर ठीक है वो किसने बनाया था, अबुल हसन ने। यहाँ पर ट्यूटर ठीक है, यहाँ पर ड्यूटर के संतपाल का चित्र बनाया था, इसका नाम था अबुल हसन, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर उस्ताद मंसूर, और इनके द्वारा ये आपको ठीक है कथन या इस तरह से आपको पूछ लेगा सीधा सीधा भी, या इनमें से पूछ लेगा निम्नलिखित कौन सा चित्र नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल पर पूछे जाएंगे ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है। भाई इतना अंतर रहता है, जहांगीर के सिक्के ध्यान रखेंगे, जहांगीर के सिक्के, सिक्के बहुत पूछे जाते हैं, चित्रकला स्थापत्य कला और ये सब चीजों के बारे में, तो आपको हर शासक के बारे में विशेष तौर से आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप कोई भी परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ज्यादातर ठीक है क्या पूछे जाता है, स्थापत्य चित्रकला गो और युद्धों के बारे में आपको बार बार क्वेश्चन आते। आगे चलेंगे, यहाँ पर एक चीज को यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये एक तो निसार ध्यान रखेंगे, निसार सिक्का ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निसार तांबे का सिक्का था, किसका था, तांबे का ठीक है, और ये बराबर किसके था, यानी रुपये के 1/4, एक यानी कि रुपये का 1/4 था तांबे का जो निसार था। आगे यहाँ पर नूर अफवा ठीक है, ये भी सिक्के थे जो कि जहांगीर ने चलाए थे, खैर काबुल नाम के भी सिक्के यानी जहांगीर ने चलाए। यहाँ पर और देखेंगे नूर शाह, नूर यानी कि सुल्ताने, नूर दौलत और नूर कलम और नूर मेहर ठीक है, मेहर मेहर ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेहर को ध्यान रखेंगे, नामक सिक्के चलाए। तो यहाँ पर मैं मैन मैन भी बता रहा हूँ, और अगर आप अच्छे लेवल पर तैयार कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी पीसीएस आईएएस की स्टेट लेवल आरओ वगैरह के, या आपको सीटेट की या किसी स्पेशल दे रहे हैं या नेट वेट की कोई भी, तो फिर आपको सब कुछ पढ़ो ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जहांगीर ठीक है, जहांगीर वे नूरजहां की आकृति के यहाँ पर सिक्के ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है जो जहांगीर और साथ साथ सिक्के पर चित्र मिले ठीक है, जहांगीर और उनकी पत्नी यानी नूरजहां के साथ चित्र ठीक है। आगे यहाँ पर जहांगीर, जहांगीर का खुद का भी चित्र मिला है ठीक है, सिक्कों पर स्वयं का चित्र ठीक है, तो स्वयं ना डाल के मैंने यानी कि जहांगीर डाल दिया। आगे चलेंगे सोने की मोहर, यहाँ पर मोहर, मोहर यहाँ पर किसने चलाई ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें सोने की मोहर थी ठीक है, मोहर किसकी थी ये भी ठीक है, अकबर की तस्वीर है, तो यहाँ पर देखेंगे अकबर की तस्वीर किस पर है, सोने की मोहर पर, जो सोने का सिक्का था उस पर यानी कि अकबर की ठीक है तस्वीर है। चांदी का सिक्का देखिए यहाँ पर, चांदी का सिक्का ठीक है, इस पर जो चांदी का सिक्का है, तो देखिए तांबे का सिक्का ध्यान रखिए, चांदी का सिक्का देखिए, और यहाँ पर ध्यान रखिए कि तांबे का सिक्का यानी 12 राशियों का अंकन क्या है ठीक है, यानी कि ज्योतिषी में यहाँ पर विश्वास है ठीक है, 12 राशियों का ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पर तटीय इलाके ठीक है, तटीय इलाके में कौड़ी ठीक है, कौड़ी जो कहते हैं कौड़ी, कौड़ी का यानी कि अकबर के समय में, तो यहाँ पर कौड़ी, कौड़ी बहुत पहले से चला रहा कौड़ी ठीक है, कौड़ी या मालदीव से लाई जाती थी, और ये कौड़ियों का ठीक है तटीय पर जो है जो चलती थी वो कौड़ियां चलती थी, कौड़ी में यानी 1 रुपये बराबर था यानी कि 2500 कौड़ी ठीक है, ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, और आपकी कोई भी परीक्षा दे रहे आपके, देखिए यहाँ पर स्थापत्य कला को दे रहे हैं ठीक है, आप देखिए यहीं से आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए होंगे बार बार। यहाँ पर अकबर का मकबरा ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, देख कितने बार पूछा गया होगा, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा ठीक है, कहाँ है, आगरा ठीक है, इसका योजना किसने बनाया थे ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्वयं अकबर ने ही जिंदा रहते हुए इसकी योजना बनाई थी ठीक है। आगे इसका निर्माण काल ठीक है, निर्माण किस काल में हुआ, तो ध्यान रखेंगे जहांगीर के काल में हुआ कभी ठीक है, यहाँ पर एकदम आपको शुद्ध दिया जा रहा है ठीक है। यहाँ पर चार ठीक है, इसमें चार संगमरमर की मीनारें हैं, चारों कोनों पर मीनार हैं ठीक है। आगे देखेंगे बाग है, तो क्या बाग में है, किसमें है, बाग में, तो यहाँ पर बाग प्रणाली ठीक है। आगे देखेंगे
इसमें गुम्बद नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखें, एकमात्र मकबरा है जिसमें गुम्बद नहीं है, वो कौन सा? आपका अकबर का मकबरा, ध्यान रखें। ठीक है, बौद्ध शैली या मैं, ठीक है, यानी कि पिरामिड, ठीक है, बौद्ध पिरामिड, ठीक है, पिरामिड आकृति है। तो यहाँ पर बौद्ध शैली का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो कि पिरामिड मिस्र के पिरामिड, ठीक है, और वो भी किससे? जो कंधार जो कला, वो भी कैसे है आपको? बुद्ध से, का बुद्ध से रिलेटेड है, वहां पर बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। और आपको पता है कि पहले वहां पर बुद्ध बुद्धिस्ट ज्यादा थे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें। आगे देखिए, इनको सबको यहाँ पर ध्यान रखें, और यहीं से आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये मैंने बता चुका हूँ पीछे भी, ठीक है, तो इसको हम और रिपीट मान लें। तो देखिए, इत्मादुल्लाह का जो मकबरा है वो यमुना नदी है, आगरा में है, निर्माण किसने कराया, तो इसको ध्यान रखेंगे, नूरजहां। नूरजहां कौन थे? यानी कि जो ग्यास थे, ठीक है, ग्यास बेग, ग्यास बेग, मैंने वहां बता दिया इनकी वंशावली में, वहां देख लेंगे। और उनको जहांगीर ने उपाधि दी थी इत्मादुल्लाह, ठीक है, इसका मतलब है नूरजहां के पिता थे इत्मादुल्लाह, ठीक है। मुगल काल का पहला पूर्ण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूर्ण संगमरमर से बना आगे मकबरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इत्मादा। इसमें पहली बार देखिए पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है, वहां भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पहली बार पित्रादुरा का जो प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने जो बताया, इससे पहले किसमें इस्तेमाल किया गया था? तो यहाँ पर गोलमंडल है, ठीक है, गोलमंडल, ठीक है, ये पूछा जाएगा अच्छे लेवल पर, ठीक है, क्योंकि पहले ये कम, ठीक है, नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा, ये अच्छे लेवल पर पूछा है, गोलमंडल, यानी कहां पर है? उदयपुर, ठीक है, इसमें पहली बार है। आगे समझ में आगे, यहाँ पर जहांगीर का मकबरा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जहांगीर का मकबरा, ठीक है, यहाँ पर रावी नदी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कहां पर नदी भी पूछ लेता है, और ये भी आपको ध्यान, तो बहुत चीज आपको याद होती है जब आप इतिहास पढ़ रहे होते हैं, तो सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होते हैं, इतिहास भी पढ़ रहे होते हैं, समाज भी पढ़ रहे होते हैं, राजनीति भी पढ़ रहे होते हैं, यानी कि इतिहास का मतलब आप सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। सादरा में कहाँ पर है बच्चों? सादरा में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जहांगीर का मकबरा सादरा, सादरा कहाँ पर है? लाहौर में, ठीक है, इसकी योजना, ठीक है, इसकी भी योजना स्वयं यानी कि जिंदा रहते हुए जहांगीर ने बनाई थी, लेकिन इसका मृत्यु के बाद इसका निर्माण कार्य किसने पूरा करा था? तो ठीक है, इनके जो पत्नी थी जो, ठीक है, नूरजहां ने, ठीक है, किसने? नूरजहां ने, जहांगीर की पत्नी ने। आगे समझेंगे शालीमार बाग, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे इसको यानी कि गलत करते हैं, तो यहाँ पर कई शालीमार बाग है, ठीक है, और ज्यादातर शालीमार के बारे में पूछता। तो देखिए, एक तो शालीमार बाग ये है जो कश्मीर में, ठीक है, इसकी जो शुरुआत की थी शालीमार बाग की, वो जहांगीर ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है शालीमार बाग जहांगीर ने यहाँ पर जो कश्मीर का, और इसको पूरा कराया था किसने? शाहजहां ने, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये। आगे का शालीमार जो बाग है, दूसरा आएगा जो श्रीनगर, आपका आता है कि श्रीनगर, ध्यान रखेंगे, तो ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था शालीमार, ठीक है, और दूसरा जो शालीमार जो तैयार ये शुरू किया था कि कश्मीर में, ठीक है, फिर इसको पूरा कराया था शाहजहां। आगे यहाँ पर चलते हैं, एक शालीमार बाग ये है, ठीक है, ये है आपका लाहौर में, एक लाहौर में इसको बनवाया था शाहजहां। तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर हमने सारी चीजों को, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और आप लाइनर जो पढ़ते रहते हैं या ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन गलत रॉन्ग दिया, ठीक है, मिसगाइड करते हैं या आप भूल जाते हैं, तो आप थोड़ी पढ़िए, आपको कंप्लीट नॉलेज प्राप्त होगी। आगे चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर निशांत बाग ध्यान रखें, तो देखिए दो यहाँ पर निशांत है, निशांत बाग यानी कि आसफ खान ने बनवाया था, किसके समय में? यानी कि शाहजहां के, तो कहीं कहीं के निशांत बाग यानी कि शाहजहां भी आ जाता है। आगे चलेंगे यहाँ पर जो चश्मा ए शाही बाग, ठीक है, इसका यानी कि शाहजहां ने बनवाया था बाग को, यानी कि शाहजहां, तो इनको आपको ध्यान रखिए, और आपको मजा आ गया होगा क्लास में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी क्लास को आप देखते रहें, और चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी आप बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और आपको हमने कितनी जानकारी दी। और इससे पहले आप हमारी वीडियो को उठा कर देख सकते हैं।
अच्छा अकबर पर हमने बनाया, ठीक है, अकबर पर, हुमायूं पर और ठीक है शेर शाह सूरी पर दो वीडियो बनाए हैं, जिसमें प्रशासन भी दिया और उसके विजय अभियान वो दिया। इसी टाइप से हमने ठीक है फिर अकबर के जितने भी विजय अभियान है उनके बारे में बताया, फिर उसके बारे में प्रशासन स्थापत्य और उन सबको समझाया गया है, सार्वजनिक कार्य जो आपकी परीक्षा में आते हैं सिक्के वगैरह के बारे में बताया। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं जहांगीर, तो जहांगीर का हम पहला विजय अभियान, उसकी वंशावली सबको बता के चल रहे हैं, तो ऐसी आपको वीडियो ठीक है यूट्यूब चैनलों पर बहुत कम मिलेंगी इतनी नॉलेज में, और आपको मिलेंगी तो पेड मिलेंगी, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कोर्स दिया जा रहा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।